नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। उनका राजनीतिक अज्ञातवास खत्म हो गया है, लेकिन ये अज्ञातवास अस्थाई है या फिर अस्थाई है ये आगे देखना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बार फिर पहली बार अज्ञातवास पर गए थे। जब उनकी वापसी हुई थी तो लगा था कि तेजस्वी यादव पूर्ण रूप से बिहार के पॉलिटिकल सीन में वापस लौटे हैं, लेकिन उनकी वापसी पूर्ण वापसी साबित नहीं हुई। तेजस्वी यादव एक बार फिर नदारद हो गए थे, तो उसी तरह एक बार तेजस्वी यादव वापस लौटे हैं। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के नहीं रहने पर आरजेडी के अंदर खाने जो चलता रहा है, तेजस्वी यादव के नहीं रहने पर जो सवाल उठते रहे हैं, क्या उन सवालों को खत्म करने के लिए आरजेडी के अंदर खाने जो कलह मची है, आरजेडी के अंदर खाने जो कह सकते हैं तकरार मचने की खबर आती रही है, उन चीजों को खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव लौटे हैं? पार्टी सांगठनिक चुनाव की दिशा में बढ़ रही है, उसको लेकर तेजस्वी यादव लौटे हैं, उनका राजनीतिक अज्ञातवास क्यों खत्म हुआ है? और सवाल यह भी है कि कई तरह के कयास लगाए जाते हैं कि तेजस्वी यादव को ये परेशानी है, तेजस्वी यादव ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव की सारी डिमांड मान ली गई है और तेजस्वी यादव को जो कथित रूप से जो परेशानी थी वो सब कुछ ठीक हो गया है? कई सवाल हैं तेजस्वी यादव की इस वापसी को लेकर और उन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि तेजस्वी यादव के नहीं रहने पर आरजेडी के कद्दावर नेताओं ने भी सवाल उठाया था और यह कहा था कि चूंकि तेजस्वी यादव नहीं है इसलिए उसका असर पार्टी पर पड़ रहा है, तेजस्वी यादव को मौजूद रहना चाहिए था। तेजस्वी यादव के नहीं रहने पर यह कयास लग रहे थे, संकेत मिल रहे थे कि महागठबंधन भी छिटक रहा है। चूंकि राजनीति में तेजस्वी यादव की गंभीरता पर महागठबंधन के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे, कांग्रेस जैसी पार्टी ने तो महागठबंधन के मौजूदा अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था। प्रेमचंद मिश्रा का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए ही महागठबंधन बना था, आगे महागठबंधन होगा या नहीं होगा ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी। उन्होंने तो स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि महागठबंधन से अलग हो रहे हैं और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। जाहिर है कांग्रेस का यह बयान और बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का यह बयान बड़ा झटका था महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जरूरत है आरजेडी को, विपक्षी दलों को समेटे रखने की बड़ी चुनौती है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव नहीं थे तो ये कयास लगने लगे थे कि तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में यह महागठबंधन छिटक रहा है, पार्टी को भी नुकसान हो रहा है और बिहार में एनडीए के खिलाफ जो सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा है महागठबंधन, उसको भी नुकसान होने लगा है, सहयोगी छिटकने लगे हैं। और उधर पप्पू यादव इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन से या फिर आरजेडी से जो असंतुष्टि थी महागठबंधन के सहयोगियों में, जैसे जीतनराम मांझी नाराज बताए जा रहे थे, उन्होंने अकेले लड़ने की बात कही, उनको पप्पू यादव ने साथ लाने की कोशिश की, एक अलग तीसरा राजनीतिक मोर्चा बनाने की कवायद में वो जुटे हुए हैं। और कहा गया कि जीतनराम मांझी पप्पू यादव के साथ हो लिए हैं, क्योंकि मुलाकात हुई, बात हुई, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि जीतनराम मांझी किस ओर रुख करेंगे, लेकिन तमाम तरह के सवाल हैं कि जो दिक्कतें आरजेडी को आ रही थी, महागठबंधन को आ रही थी, तेजस्वी यादव के लौट जाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे वाजिब सवाल है। तेजस्वी यादव कल जब पटना लौटे हैं तो किसी को यह जानकारी नहीं थी कि वापस लौटने वाले हैं, तेजस्वी यादव कहाँ हैं यह भी किसी को जानकारी नहीं रही। हालांकि कल पत्रकारों ने पटना एयरपोर्ट पर उनसे पूछा, मीडिया के कैमरों से छुप नहीं सके, लेकिन तेजस्वी यादव ने सवालों का जवाब नहीं दिया, बस आरक्षण पर बोल कर चलते बने। तो सवाल यह भी है कि क्या जिस तरीके से आरजेडी और तेजस्वी यादव सवालों से बचते रहे हैं, क्या ये आरजेडी की कारगर रणनीति है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, या फिर इसका भी नुकसान पार्टी को होगा? और तेजस्वी यादव को लेकर हाल के दिनों में जो धारणा बनी है, उनके ही सहयोगी दल और उनकी ही पार्टी के नेता ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, उनके उन राजनीति में उनकी गंभीरता को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या तेजस्वी यादव इन सवालों से पार पाने में
कामयाब हो पाएंगे और क्या तेजस्वी यादव किसी मजबूत रणनीति के साथ पटना वापस लौटे हैं या फिर उनकी वापसी वही वापसी है जो दो चार दिनों में वो फिर नदारद हो गए थे, यानी ठीक उसी तरह उनकी वापसी हुई है जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वो अज्ञातवास पर चले गए थे और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अज्ञातवास तोड़ा था और फिर अज्ञातवास पर चले गए थे। तो तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के कयास हैं तेजस्वी यादव की वापसी को लेकर। तेजस्वी यादव को पटना लौटे कुछ घंटे हुए हैं, देखना होगा कि तस्वीर किस तरीके से साफ होती है, किस तरीके से सामने आती है। और तेजस्वी यादव आरजेडी के बारे में जो कहा जा रहा है कि आरजेडी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, आरजेडी टूट के कगार पर है, महागठबंधन बिखरने के कगार पर है, तेजस्वी यादव कितना समेट पाते हैं, कितना उबार पाते हैं इन मुश्किलों से अपनी पार्टी को, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रही है आरजेडी और सबसे बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है महागठबंधन, देखना बड़ा दिलचस्प होगा सब कुछ, क्योंकि अब तेजस्वी यादव लौट आए हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।